हेलो एवरीवन कैसे हो आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे सो वेलकम टू द फॉर्मुला फटाफट सीरीज मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट लर्नो हब डॉट कॉम आज हम कवर करने वाले हैं अपने फॉर्मुला फटाफट सीरीज में क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर का नेम एल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के सारे फॉर्मुले। क्योंकि इसके पहले आपने वन शॉर्ट वीडियो एनसीईआरटी टी सोल्यूशन सब कुछ कवर कर लिया है तो अब बारी है जल्दी से सारे फॉर्मुलेस को रिवाइज करने की तो गैट सेट रेडी तो, तो वहां पर लाइट में जो पार्टिकल नेचर है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे फोटोन तो सबसे पहला फॉर्मूला आने वाला है हमारा एनर्जी ऑफ फोटो का तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है अब आप कहोगे कि E इक्वल टू एच न्यू होता है और एक और होता है दैट इज एच सी अपॉन लेमडा ये कैसे आ जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ तो यहाँ से हमको ये भी मालूम पड़ता है कि जो भी हमारा फोटोन है उसकी जो एनर्जी है या फिर आप कह सकते हो फोटोन जो है उसमें जो वेवलेंथ है वो कम होगी बट फ्रिक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी क्योंकि आपको दिख रहा है कि जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ क्लियर तो यहां से हमने ये भी देख लिया अब बारी है इसके नेक्स्ट फॉर्मूला की जो है हमारा वर्क फंक्शन तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन तो हमने बहुत बार पढ़ी है वन शॉट में भी पढ़ी और जब एनसीईआरटी सॉल्यूशन कवर कर थे वहां पर भी बताई गई थी कि दैट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट या फिर टू एक्सकेप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्वेस ठीक है तो यहाँ पे जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है हमारी इसको हम डिनोट किससे करते हैं फाइ नाट से किसको वर्क फंक्शन को और ये होती है एच म्यू नॉट सो दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस क्लियर और इसका सिंबल क्या हो गया है हमारा नॉट अब आप कहोगे h एच क्या है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है और ये हमारी फ्रिक्वेंसी है ठीक है तो सिमिलरली फेय तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहाँ पर हमने एक ट्यूब देखा था जहाँ पर एक तरफ कैथोड था एक तरफ एनोड था वो हम इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करा रहे थे लाइट में से फोटोन्स लाइट का आया रेडिएशन हुआ वहां से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे तो वहां पर एक आपका पॉइंट आपने पढ़ा था कि यहां पर जब आपका कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर आपका जो करंट है वो इंक्रीज होता है एक सेचुरेशन लेवल तक बट यहीं पर अगर आप यहां पर एक नेगेटिव पोटेंशियल दे देते हो तो वहां पर आके आपका जो फोटो करेंट है वो स्टॉप हो जाता है एंड ये जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है उसको हम क्या कहते हैं नेगेटिव रिटार्डिंग पोटेंशियल इसको क्या कहते थे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं एंड जब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आप देखोगे तो वहां पर ना आपका जब आपके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे तो वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो होती है आपकी वर्कडन के बराबर और वर्कडन क्या होता है हमारा क्यू डेल्टा वी होता है सबने पढ़ा है तो वहीं से एक फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का जब आपका जो वी नॉट है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो वहां पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है किसकी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू द ई वी नॉट वेयर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल क्लियर तो हमने ये देख लिया और ई e क्या हो गया है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन काइनेट जो के मैक्स देखा है एनर्जी क्लियर तो यहाँ तक सारे फॉर्मूले रिवाइज हो गए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट तो अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है वन शॉट में आई नो दिस ठीक है तो यहां पर एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एक इक्वेशन आई थी उसको आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की इक्वेशन इक्वेशन आई थी थी वो ये कह रही थी कि, कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी उन इलेक्ट्रॉन्स के पास जितनी एनर्जी आ रही है और जितना हमारा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है कितनी थी मिनिमम क्या बोलते हैं वर्क फंक्शन बोलते हैं पढ़ा थोड़ी देर पहले तो जितनी एनर्जी आई और जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड थी दैट वर्क फंक्शन उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये तभी होगी जब वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करेलॉइड ना करे, मतलब ना हो कोई भी एनर्जी और वेस्ट ना करे तब जो हमारा ये आई थी से आपकी डिराइव हो जाती है दैट इज न्यू फाइव नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आप इसको इधर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है और ई e हमारा हम जानते हैं दैट इज एच न्यू वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.63 पॉइंट सिक्स थ्री पावर माइनस थर्टी जूल सेकेंड सबने पढ़ा है ना कोई दिक्कत नहीं अब यहीं से इन्होंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिए या ये भी कोई दिक्कत नहीं हुई जब हमारा जो म्यू uh, है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट ठीक है फिर यहीं से हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल की एक इक्वेशन आ जाती है दैट इज वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस फाइन नॉट अपॉन ई ठीक है वियर एच इज द प्लाइस कॉन्स्टेंट ई इज द चार्ज वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल म्यू इज द फ्रीक्वेंसी फाइ नॉट इज द वर्क फंक्शन हो गया अब क्योंकि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो इसकी यूनिट भी हमारी वोल्ट्स में ही होगी अब आपके लिए इन सारी चीजें जो हमने अभी फॉर्मूले रिवाइज की उनके ऊपर जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं तो इस एग्जांपल में बोला है कि सीजियम मेटल हैज वर्क फंक्शन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये हमारे पास क्या गिवन है वर्क फंक्शन है फोटो इलेक्ट्रिक एमिजन टेक्स प्लेस वेन अ लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी सिक्स इंटू टेन टू दावर हर्ट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस जो लाइट आपकी आ रही है मेटल उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमको गिवन है आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ठीक है ओके okay. तो सबसे पहला काम होने वाला है हमारा जो ये वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं जूल में तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेंटी पावर माइनस नाइनटीन जून डेट एवरी वन नोस ठीक है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे जूल में अब यहाँ पर हम सोल्यूशन नहीं देख रहे हैं हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे होने वाला है ओके okay, तो मैं सॉल्यूशन नहीं करने वाली हूँ आप समझ लो कि इसमें क्या कर दूंगी मैं टू पॉइंट वन इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेंट पावर माइनस नाइनटीन जून ये हमारा वर्क फंक्शन हो गया

ओके okay. तो आपका ये वाला हो गया क्वेश्चन देन द क्वेश्चन इज स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको क्या कैलकुलेट करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आपने इसके पहले वाले आपने देखा कि जब वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला था ई वी नॉट यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट एवरी वन नोस एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आप यहां से निकाल ही चुके हो इसकी वैल्यू यहां रखोग

अपॉन सी अब एच न्यू अपॉन सी है तो यहां पर न्यू अपॉन सी को अपन लिख सकते हैं वन अपॉन लेमडा तो ये फॉर्मूला एक और हो जाता है तो, तो जो भी क्वेश्चन में आपका देख रहा है आपको कि इस फॉर्मूले का यूज होने वाला है वो आप यूज कर लो गैमडा इज द वे वैस द स्पीड ऑफ लाइट इन वेक्यू न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एच इज द प्लान पी इज द मोमेंटम ठीक है अब यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार दैट इज नंबर ऑफ फोटो एमिटेड बाई द सोल पर कितने एमिट कर रहा है सोर्स हर में ठीक है है तो उसके लिए होता पावर ट्रांसमिटेड इन द बीम ई हो गया एनर्जी पर फोटोन ठीक अब इसी के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं एग्जांपल है आपके पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको इज अ प्रोड्यूस्ड बाई अ लेजर द पावर एमिटेड इज टू इंटू टू पावर माइनस थ्री वॉट पी इज गिवन टू यू आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ द बीम एंड आपको कैलकुलेट करने हैं कि हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स ठीक तो सबसे पहले तो हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास फोटो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है तो एनर्जी का फॉर्मूला तो हम इजीली हम सबको पता है दिस वन ठीक है यहाँ से आपकी एनर्जी निकल आएगी फिर आपको पूछा है हाउ मेनी फोटोज उसके लिए आपके पास पावर है तो नंबर ऑफ़ फोटोस का फॉर्मूला भी आपको बताया एन इज़ इक्वल टू पी अपन ई पी इज गिवन टू यू और आप ई e निकाल ही चुके होंगे ए में तो आप दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर रखोगे आपके नंबर ऑफ़ फोटोज पर सेकेंड आपके कैलकुलेट हो जाएंगे क्लियर

MV. so we have to replace p from MV also. तो lambda is equal to h upon p or h upon MV, where m is the mass of the particle and v is the speed. ठीक है। अभी यहीं से हम ये एक और relation आता है, that p is equal to e upon c.

ये तो डीप बॉगली बेबलेन जो एक जनरल हो गया अगर हम बात कर ले सिर्फ इलेक्ट्रॉन की कई बार क्वेश्चन में ना स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन की ही पूछ लिया जाता है तो उसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दैट लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी

ठीक square square. है तो ये हो जाएगा हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम एंड पी स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा आपका टू एम के कानेटिक एनर्जी को मैंने k नहीं दिया एंड नाउ पी इज इक्वल टू under टू एम के आ गया कुछ याद हमने जल्दी से इसको रिवाइज कर लिया तो अब ये जो पी है इसको हमने रिप्लेस कर दिया e ठीक है तो ये सारे फॉर्मूले हो गए हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा का इलेक्ट्रॉन के लिए अब अगर यहाँ पर हम सारी वैल्यूज रख दें लाइक अगर हम रख दें ये ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है एंड दिस प्लांस uh, कांस्टेंट की तो जो हमारा फॉर्मूला आता है लेमडा का वे इलेक्ट्रॉन uh, के लिए दैट इज लेमडा इज इक्वल टू वन पॉइंट टू टू सेवन अपॉन अंडर रूट उ और ये किस में आता है नैनोमीटर में आता है ठीक है तो आप याद रखना 1.227 पॉइंट टू टू सेवन अपॉन अंडर रूट उ नैनोमीटर ये किसके लिए है इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है वी क्या है यहाँ पर मैग्नीट्यूड है एक एसिलरेटिंग पोटेंशियल का ओके okay, चलो हमने ये वाले फॉर्मूले भी रिवाइज कर लिए हैं जैसे ही हमने रिवाइज कर लिया डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन तो अब आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अ मोनो मोनो आइटमिक गैस के लिए लाइक हाइड्रोजन हीलियम इनके लिए तो इनके लिए अगर आप देखोगे तो हमारे पास डायरेक्ट फॉमुला होता है दैट लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट थ्री एम के टी वीर के इज द बोसमैन कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू हम जानते हैं वन पॉइंट थ्री एट इंटू ट्वेंटी पावर माइनस ट्वेंटी थ्री जूल पर कैलवेन टी इज द टेम्परेचर मास एम इज द मास ओके मास ऑफ द पार्टिकल यू कैन से एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट अब यहाँ पर दिमाग में आएगा कि मैम हमको तो ये कैसे आया तो इसका मैं जल्दी से बता देती हूँ ये कैसे आया हमने देखा था कि लैमडा इज इक्वल टू तो एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई ठीक है अब यहां पर ये जो ई e है मोनो आइटेमिक गैस के लिए वो हो जाती है थ्री पॉइंट टू के टी जैसे आप ई e को इस वैल्यू से रिप्लेस करोगे आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा इसी तरीके से डाय आइटेमिक गैस के लिए भी होता है तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बट एनसीआर टी में इस टॉपिक के ऊपर जरूर क्वेश्चन दिए गए हैं अब आ जाते हैं अपना इस टॉप इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक जिसका नाम है हाइजनबर्ग और सर्टिनिटी प्रिंसिपल जिसने बोला था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम पोजीशन और मोमेंटम की एक साथ में वैल्यू कैलकुलेट कर पाए जान पाए तो उसने फिर एक आपको प्रिंसिपल दिया दैट इज डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन टू पाई कई जगह पर ये एच इस तरीके से भी लिखा है और इसकी वैल्यू होती है दिस वन एच अपॉन टू पाई ओके okay. तो हमारे इस चैप्टर के सारे ही फॉर्मले हमने रिवाइज कर लिए हैं क्योंकि हमारी सीरीज का नाम था फॉर्मुला फटाफट सीरीज तो हम इतनी डिटेलिंग में नहीं गए हैं बट हाँ मैंने जहाँ पर भी ज़रूरत थी कुछ बताने की तो आई ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट ओके तो बच्चों आई होप आज हमने जितने भी अपने फॉर्मूलेज रिवाइज़ किए हैं अपनी फॉर्मूला फटाफट सीरीज के अंदर आपने भी सारे रिवाइज कर लिए और एक जगह पर नोट अप भी कर लिए हैं तो आपको पता ही था पहले हमको वन शॉट वीडियो देखना है फिर हमको सॉल्यूशंस करने हैं और ये बिल्कुल जो सीरीज़ है ये आपकी एंड टाइम पर सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करने के लिए बनाई गई है जैसा कि आप जानते ही हो लर्नोह फ्री है पर बेस्ट है और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैस एब्सलूटली फॉर फ्री एट लर्नो Thank you.